दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है जीबी व्हाट्सएप, और ये आपको एक थर्ड पार्टी लिंक से मिल जाएगा। इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। और तो चलिए इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। आपको डाउनलोड करने के बाद आपका जो मेन ऑफिशियल व्हाट्सएप है वो है ये, जो तो आपके पास रहेगा ही, और उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा ये वाला। तो इसे ऑन करके आप कोई भी नंबर से रजिस्टर कर लीजिए, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में करते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं लाइव करके दिखाता हूँ आपको। कुछ भी टाइप कीजिए, सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज जो है वो आ चुका है, देख सकते हैं मैसेज आ गया है। अब ये जो मेरा जो स्टेटस है वो अभी ऑनलाइन है, तो मैं खुद को हाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से नॉर्मली मेनू ऑप्शन से आप प्राइवेसी में जाइए, हाइड ऑनलाइन स्टेटस। चलिए आप देख सकते हैं कि लास्ट सीन टुडे एट 2015, मतलब 8:15। तभी मैं अगर किसी को मैसेज करूँ, सपोज इसे ही कर रहा हूँ, तो मैं अभी ऑफलाइन हूँ। अगर आप मुझे मैसेज भेजे तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू आइकॉन आ चुका है। तो अगर आप चाहे तो इस ब्लू आइकॉन को भी आप हटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आइए, प्राइवेसी में आइए, हाइड व्यू स्टेटस, ठीक है। अभी ये नील आ रहा है तो थोड़ा चेंजेस चाहिए। हाँ, ब्लू टिक्स हाइड फॉर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब देख सकते हैं मैसेज तो डिलीवर हो चुका है, लेकिन कोई भी कलर में कोई चेंजेस नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, मतलब मैंने मैसेज देखा ही नहीं। तो ये एक बेहतरीन फीचर्स है कि दोस्तों के साथ, या अगर आपके पापा मॉनिटरिंग कर रहे हो, या फिर आपका गर्लफ्रेंड, या कोई भी हो, तो ये एक बेहतरीन फीचर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके और भी कुछ फीचर्स, जैसे कि थोड़ा होल्ड कीजिए। हाँ, जैसे कि मैं चैट को मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसके और भी कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ। जैसे आप चाहे तो इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि जीबी सेटिंग्स में आइए। आने के बाद आप डाउनलोड थीम को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए मैं दिखा नहीं कर रहा हूँ। चलिए आ गया है, यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स देख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से कॉन्वर्सेशन स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हेडर, पीक्स, ट्रांजेक्शन, ट्रांसफरेंस, बहुत सारे ऐसे बहुत मैनुअल ऑप्शंस है जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, कोई भी काम में आए, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जो कि आपका भी है, आपके हेल्प के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया, तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।